हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ और एक प्लान जिसका साइज़, जिसकी लेंथ 28 फीट 6 इंच है और जिसकी ब्रेथ 24 फीट है। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा ही प्लान चाहिए या कोई और प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको बना के वो दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंट्रेंस कहाँ से है? तो ये है हमारे एंट्रेंस, यहाँ एंट्रेंस हमारा यहाँ से है। और यहाँ से हमारी, जब हम यहाँ से आएंगे अंदर, सो यहाँ से हमें अंदर आना है। सो गाइस, फिर हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें इस साइड मिलेगा हमारा किचन। ये हमारा 10 बाई 12 फीट का किचन। सो यहाँ पे जो ये हमारा 10 फीट है, ये है इसकी लेंथ यहाँ से 10 फीट और यहाँ से ये 12 फीट। सो यहाँ पे आएंगे, इस साइड बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम 1। ये था हमारा किचन। जो हमारे बेडरूम का साइज़ है वो है 10 फीट यहाँ से और 10 फीट यहाँ से। सो फिर हमें यहाँ पे एक बाथरूम मिलेगा। ये हमारा बाथरूम, यहाँ से हमारा 6 फीट और यहाँ से भी हमारा 6 फीट। फिर है यहाँ पे और एक बेडरूम, बेडरूम सेकंड मैंने यहाँ पे बनाया है, बेडरूम सेकंड। सो यहाँ से 10 फीट है और यहाँ से भी ये 10 फीट है, 10 फीट यहाँ से भी। सो गाइस, यहाँ पे हमारा मैंने एक रूम बनाया है छोटा सा, ये इसको आप यहाँ पे स्टडी रूम भी रख सकते हो, स्टडी रूम। मैं इसको नाम रखूँगा स्टडी रूम। आप इसको बेडरूम भी बना सकते हो, यह आप पे डिपेंड करता है। सो इसका जो साइज़ है वो है यहाँ से 10 फीट और यहाँ से ये 8 फीट। सो ये हमारा जो टोटल है वो है 28 फीट 6 इंच। और जो यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्स है, इनका जो साइज़ है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्स का साइज़ है वो है 9 इंच और जो इंटरनल वॉल्स का साइज़ है वो है 5 इंच या 6 इंच। मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है इंटरनल वॉल्स का साइज़, और जो और एक्सटर्नल वॉल्स का साइज़ मैंने लिया है वो मैंने लिया है 9 इंच। जो मैंने यहाँ पे 3 फीट रखा है, ये मैंने स्टेयरकेस के लिए रखा है। स्टेयरकेस यहाँ से अप जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पे लैंडिंग है यहाँ पे। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।